अमूमन हर किसी के शरीर के किसी न किसी या फिर एक से ज्यादा अंगों पर तिल जरूर होता ही है, इसलिए शरीर पर तिल का होना बेहद सामान्य माना जाता है। लेकिन क्या वाकई तिल का होना इतना नॉर्मल है जितना लोग समझते हैं? अगर सामुद्रिक सांस पर गौर करें तो शरीर पर तिल होना तो कोई खास अंतर नहीं डालता, लेकिन वो शरीर के किस अंग पर है ये बात बहुत अहम होती है। पर आप ये कह सकते हैं कि शरीर के अलग अलग हिस्सों पर तिल या मसा होना अलग फल प्रदान करता है। जैसे हथेली के बीच में तिल का होना धनवान माना जाता है और पेट पर तिल का होना इंसान को पेटू कहा जाता है। तलवों पर तिल होने से व्यक्ति पूरे विश्व की यात्रा कर सकता है और गाल पर तिल दिखना व्यक्ति के चालाक होने की निशानी होता है। ये सब तो कॉमन मान्यताएं हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे शरीर के किस अंग पर तिल का होना ये दर्शाता है कि व्यक्ति को कभी धन की कमी से गुजरना नहीं पड़ेगा, अर्थात जैसे तैसे वो अपनी धन संपत्ति जरूरतों को पूरा कर ही लेगा। और सामुद्र शास्त्र के अनुसार पेट पर तिल होना व्यक्ति के पेटू होने की बात कहता है, जो कि शुभ नहीं है। लेकिन अगर यही तिल आपकी नाभि के ऊपर है या नाभि से सटा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं होती है। पेट पर तिल होना ये बताता है कि संबंधित व्यक्ति काफी रोमांटिक है। इसके अलावा ये इस बात की भी पुष्टि करता है कि जातक कभी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति खूब कमाते भी हैं और जमकर खर्च भी करते हैं। पैर के अंगूठे पर तिल का होना ये दर्शाता है कि व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा कभी कम नहीं होगी और साथ ही ये इस बात का भी सूचक है कि संबंधित व्यक्ति के पास पर्याप्त धन संपत्ति भी रहेगी। व्यक्ति की दर्शनी उंगली पर तिल हो तो उसे कभी धन की कमी से नहीं जूझना पड़ता है, लेकिन वो शत्रुओं से बहुत ज्यादा घिरा रहता है। और भौवें के ठीक बीच में तिल होना बहुत ही शुभ माना जाता है और वो व्यक्ति के दंपत्य जीवन को भी खुशहाल बना के रखता है और उसे धन संबंधी परेशानियां का भी सामना नहीं करना पड़ता है। नाक की दाई और तिल का होना व्यक्ति को कम मेहनत कर ज्यादा फायदा पहुंचाता है। ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। टोड़ी पर तिल के होने से व्यक्ति के पास आय के साधन हमेशा उपस्थित रहते हैं, इसलिए उसे कभी पैसे की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। लोगों की अनामिका उंगली पर तिल को देखकर आप ये जान सकते हैं कि उसे कभी धन और यश की कमी नहीं होगी। और सबसे छोटी यानी कनिष्ठिका उंगली पर तिल यशस्वी और धन संपन्न तो बनता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा परेशानी और अशांति ही बनी रहती है। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।